व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बेसिक्स हमने कल कर लिए थे, आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। बट उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि हमें आज NPO के बेसिक्स भी करने हैं। तो अगर आप कैश फ्लो से बोर हो गए हो तो एक बार ये NPO के बेसिक्स देख लो बैठ के आराम से, फिर रात तक और कैश फ्लो के क्वेश्चंस कर लेना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा काम हमारा। तो हम लोग आज NPO के बेसिक्स वन शॉट में इसी वीडियो में कनेक्ट कर रहा हूँ, सभी बेसिक्स एक शॉट में, ताकि मैं आपको कल NPO के बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस करा पाऊं जो पेपर में पक्का आएंगे, जैसे आज मैंने आपको कैश फ्लो के कराए हैं। तो NPO का वन शॉट देख लो, आज बेसिक्स करके ही सोने हैं, रिमेंबर भूलना नहीं है। जल्दी दे रहा हूं, अभी देखने का मन करे अभी देख लेना, रात को देखने का मन करे रात को देख लेना, बट आज बेसिक्स पूरे कर लेने। चलिए लेट्स बिगिन। चलो जल्दी से मैं साथ साथ हेडिंग डालना, NPO। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और एक एक टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को शेयर करना सभी फ्रेंड्स के साथ और सभी को कहना कि यार अच्छे से पढ़ाई कर लो, अब टर्म टू में रह गया एक महीना, बहुत अच्छे से करो। और फिर उसके साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम करने वाले हैं इसी चैनल पे, जिसे देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं? सबसे पहले कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मकसद इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी। वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें कुछ हॉस्पिटल्स आते हैं, कुछ कॉलेजेस आते हैं, कुछ स्कूल्स आते हैं, कुछ क्लब्स आते हैं, जो ये बोलते हैं कि हमारा पर्पस पैसा कमाना नहीं है, हमारा पर्पस सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए और सोसाइटी के लिए काम करना है, उन्हें हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, यहां से हम लोग इसकी चीजें शुरू करने वाले हैं। मेरे साथ साथ हेडिंग डाल के चलो, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। किस प्रकार से ये अपने खाते बनाते हैं, किस प्रकार से अपना काम करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तीन अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए तीन अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला वो अकाउंट होता है जो उनका कैश का हिसाब दे कि यार कैश कितना आया है, कैश कितना गया है, क्योंकि सिर्फ सेल के बेसिस पे आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपके पास लिक्विडिटी कितनी है। तो कैश का हिसाब किताब तो जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो कंपनीज में, कैश बुक बनाते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो इनका कैश के हिसाब के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये बहुत सिमिलर है, सिमिलर टू कैश बुक। और इसमें हम लोग सिर्फ दो ही चीजें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। ठीक है, ये याद रखना। इसमें हम क्या लिखते हैं? सिर्फ इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। जब मैं कैश बोल रहा हूं तो कैश का मतलब बैंक भी है यहां पे। ठीक है, याद रखना, कैश एज वेल एज बैंक। अच्छा जी, दूसरा कौन सा अकाउंट होता है? दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये कंपेयर करते हैं कि हमें कितना इनकम्स हुई हैं। अब सर ये प्रॉफिट तो कमाते नहीं, इनकम कैसी भाई? गिफ्ट से, इंटरेस्ट से, ग्रांट से, बहुत सारे सोर्सेज और होते हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो इनके पास कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, खर्चे कितने हुए हैं इस साल के, ओनली फॉर दिस करंट ईयर। यहाँ पे ईयर मैटर नहीं करता। रिसेप्शन पेमेंट में कितना पैसा आया, चाहे वो 10 सालों का आया हो लिख दो, गया चाहे वो 2 साल का गया हो जाने दो लिख दो, यहां पे सिर्फ इस साल की बात करेंगे। यानी दिस इज सिमिलर टू व्हाट? दिस इज सिमिलर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना, सेम टू सेम वैसा ही है ये। अच्छा, इसमें आपको क्या देखना है? दो चीजें देखनी है। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो उसको क्या बोलते हो? सरप्लस। अभी सब सिखाऊंगा। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो उसको क्या बोलते हो? डेफिसिट। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है,
अच्छा, तीसरी चीज आपको क्या देखनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है। तो तीसरी चीज हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट होता है, आपने शीट्स क्यों लिखा? शीट्स इसलिए क्योंकि हम दो बैलेंस शीट देखते हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। मैं इस चैप्टर में ये वर्ड बहुत यूज करूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग में जब भी बोलूंगा, ओपनिंग मीन्स प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, क्लोजिंग मीन्स करंट ईयर का बैलेंस शीट, ये याद रखना, ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या बनाने हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। सर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, इस प्रकार के अकाउंट्स बनते हैं, रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट यानी कि जैसे कैशबुक होता है, इनकम एक्सपेंडिचर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने कर लिया। अब इनके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, जो आपको आनी चाहिए, सही है। सबसे पहली चीज, आपको एडजस्टमेंट समझाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यूजुअली क्वेश्चन कैसा होता है। देखो, आपको ना एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, और आपको इससे क्या बनाना होगा, दो चीजें। एक तो आपको इससे बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक आपको इससे बनाना होगा बैलेंस शीट। तो आपको यहां पे बहुत सारे इनफ्लो लिखे होंगे कि पैसा आया है, और बहुत सारे आउटफ्लो लिखे होंगे कि पैसा गया है। अब इनफ्लो में से कुछ इनफ्लो तो यहां पे आ जाएंगे, कुछ इनफ्लो यहां पे आ जाएंगे। सिमिलरली आउटफ्लो में भी सी कुछ आउटफ्लो यहां आ जाएंगे, कुछ आउटफ्लो यहां आ जाएंगे। हमें पता कैसे चलेगा सर कि कौन सा यहां आना है, कौन सा यहां आना है? इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है। देखो, इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे बेसिक्स जज करवाऊंगा, बेसिक्स चेक करवाऊंगा। आपने क्लास 11th में भी ये चीजें पढ़ी हैं, और आई थिंक मुझे बताना कि आप लोगों को ये चीज पता थी या नहीं पता थी कमेंट सेक्शन में, और क्या ऐसा कभी आपने सोचा अकाउंट्स के बारे में। देखो, हमारे पास से जब भी पैसा जाता है, जब भी पैसा जाता है तो उसे हमें बेनिफिट होता है ना। लाइक मैंने फॉर एग्जाम्पल एक वाटर बॉटल खरीदी, पानी की बॉटल खरीदी, पैसा गया, बेनिफिट हुआ। मैंने फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, बेनिफिट हुआ। मैंने गाड़ी खरीदी, पैसा गया, बेनिफिट हुआ। मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, पैसा गया, बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट होता है तभी तो हम पैसा देते हैं, है ना। तो जब भी आउटफ्लो हुआ तो मुझे बेनिफिट हुआ। अब अकाउंट में ना हम इस बेनिफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सर ये बताओ, वो जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है? मैंने कहा है, ये क्या बात हुई भाई, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? फिर मुझे समझ में आया कि लॉन्ग टर्म का मतलब जैसे मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, लेकिन वो मुझे लंबे समय तक फायदा दे रहा होगा कि 1 साल 2 साल 5 साल चल रहा होगा, है ना। लेकिन अगर मैंने उसका रिपेयर कराया तो वो फिर खराब हो जाएगा 2-3 महीने बाद, फिर रिपेयर कराना पड़ेगा, फिर कुछ टूट फूट जाएगा, फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। रिपेयर का जो बेनिफिट होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, राइट। मैंने एक गाड़ी खरीदी, उसका मुझे बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन जो उसमें पेट्रोल डलता है वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर डलवाना पड़ेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर डलवाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि जिन भी चीज़ों का बेनिफिट यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है उन्हें हम एक्सपेंसेस मान के चलेंगे, और अगर एक्सपेंसेस मानेंगे तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ही तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है तो हम उसे क्या मान के चलेंगे, हम उसे एसेट्स मान के चलेंगे। आई होप यहां से आपका एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस और एसेट्स को देखने का नजरिया बदला होगा। पैसा दोनों में जाता है, बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिल रहा है तो हम उसे एसेट मानते हैं, शॉर्ट टर्म का बेनिफिट मिलता है उसे एक्सपेंस मानते हैं। अब शॉर्ट टर्म में आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख रहे हो, लॉन्ग टर्म में आप उसे कहां लिखते हो, बैलेंस शीट। क्या बात है, यह चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, इसका एक और भी क्राइटेरिया होता है कि जो रेकरिंग बार बार होने वाली चीजें हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म खर्चा मानूंगा, कभी कभी होने वाली चीजें हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एसेट मानूंगा। ठीक है, सिमिलरली ये तो हो गई आउटफ्लो की बात, अब बात करता हूं इनफ्लो की। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो। अब बात करते हैं इनफ्लो की, चलो यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको दोनों चीजें और साथ में आप कंपेयर कर पाओ। इनफ्लो मतलब पैसा आया, पैसा आया तो आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी। मैंने आपसे फीस ली, आपने मेरे ऑनलाइन बैच में एनरोल करा, मैंने आपसे फीस ली, अब मुझे पढ़ाना है ना, आपको पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है?
है ना, या फिर मैंने अगर कोई भी मुझे इनफ्लो होगा तो मुझे उसका कोई ना कोई मैं सर्विस जरूर दे रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली जो इनफ्लो होता है, इनफ्लो के बदले में आपकी कोई ना कोई ऑब्लिगेशन जरूर होती है कि आपको कुछ ना कुछ देना जरूर पड़ेगा उसके बदले में। अब वो ऑब्लिगेशन भी दो प्रकार की हो सकती है, दैट ऑब्लिगेशन मे बी फॉर शॉर्ट टर्म एंड दैट ऑब्लिगेशन मे बी फॉर लॉन्ग टर्म, है ना सर। जैसे जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको अपनी कोई बिल्डिंग दी है रेंट पे, मुझे वहां से रेंट आता है, अभी रेंट आया एक महीने के लिए आया, मैं अगले महीने फिर आपके पास जाऊंगा लाओ जी रेंट, मैं फिर जाऊंगा आपके पास रेंट, तो क्या वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, है ना। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वो मेरी इनकम है, उसे क्या बोलता हूँ, वो मेरी इनकम है, है ना। लॉन्ग टर्म मैंने आपसे पैसा लिया और मैं आपको उसे चुकाऊंगा कई साल में, मैंने आपसे एक लोन ले लिया, लोन एक लाइबिलिटी बन के आया या नहीं आया, ऑब्लिगेशन लॉन्ग टर्म है या नहीं है कि 20 साल का लोन, 10 साल का लोन, 5 साल का लोन, लॉन्ग टर्म, उसे क्या बोल देते हैं हम, अगर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। सिमिलरली मुझे कोई कमीशन मिली, रेंट मिली, इंटरेस्ट मिला, ये सब हम इनकम्स में मानते हैं। लेकिन अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, लोन कंसिडर होगा, चुकाना पड़ेगा, मैंने आपसे फीस ली, मुझे पढ़ाना है 4-5-6 साल तक, वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, है ना। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में जितनी भी चीज़ें होती हैं इनकम मान के चलते हो, लॉन्ग टर्म में उसको लाइबिलिटी मान के चलते हो। अब अगर इनकम मान ली तो इसे कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लाइबिलिटी मान ली तो कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सर क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है बेटा जी कि अगर इनफ्लो होगा तो या तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम में जा रहा होगा, और या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जा रहा होगा, ये याद रखना, मैंने ब्लू पेन से लिखा है। और अगर आउटफ्लो होगा यानी पैसा गया होगा तो या तो वो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर, और या फिर वो एसेट में आ रहा होगा। समझ गए, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। पैसा आया तो या वो इनकम होगी या वो लाइबिलिटी होगी, ठीक है, और अगर पैसा गया तो या वो खर्चा होगा या वो एसेट होगा। ये पॉइंट पकड़ लिया ना, तुम्हारे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में नंबर नहीं कटेंगे, ये पता होना चाहिए, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी, सही है जी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बढ़िया चीजें बताता हूँ तुम्हें इस चैप्टर के बारे में। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, अब एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझते हैं, मैंने लिख दी सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास एनपीओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं वो यही होती हैं, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लेगेसी, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले अब एक इनका नेचर समझो और नेचर के साथ ये समझो कि कहाँ पे लिखना है इन चीज़ों को, ठीक है। माइंड में वही चीज़ याद रखना, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, अगर आ रहा है तो वो या इनकम में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम में कब जाएगा, जब उसमें आपका कोई खास ऑब्लिगेशन नहीं बनाया, बस पैसा आ गया आपके पास, चाहे वो रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट हो, कुछ इस तरीके की चीज़ हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो ऑब्लिगेशन बना रही है, यानी कि आपके लिए लॉन्ग टर्म का कुछ ना कुछ ऐसी बर्डन क्रिएट कर रही है कि आपको कुछ बेनिफिट देना है लॉन्ग टर्म का, या कुछ इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्सक्रिप्शन, शुरुआत होती है सब्सक्रिप्शन के साथ। सर सब्सक्रिप्शन इज व्हाट, सब्सक्रिप्शन इज लाइक मैंने आपको बोला कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अब यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन फ्री है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स लेना है तो उस सिनेरियो में आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना, पेमेंट करनी पड़ेगी। आप पे करोगे, आप एज अ क्लब सोचो, कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन सोचो, मुझे वो पैसा मिल रहा है। तो अगर आपको किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है या कुछ भी बनना है तो उनकी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो वो लोग आपको क्या बोलते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेंबर बनना चाहते हो तो आपको लगातार कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे। तो वो जो पेमेंट है उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कि अगर आपको उनकी सर्विसेज चाहिए तो आपको उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। आप पेमेंट दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को तो मिल रहा है ना,
उनके लिए वो एक जनरल लेवल की इनकम है। क्यों जनरल लेवल की इनकम है सर? क्योंकि एक तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कोई क्रिएट नहीं कर रहा, प्लस एक नॉर्मल नेचर की इनकम है, पैसा आ रहा है और वो रेगुलर बेसिस पे, आज ए ने करा, कल बी ने करा, परसों चिंटू ने करा, फिर चिंटी ने करा, पैसा आता रहेगा, है ना। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे दिखाते हैं, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। सर लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? अब कुछ लोगों ने बोला कि यार मैं जो फीस है ये एक ही बार दे देता हूँ, मतलब मुझे ये मंथली के चक्कर में नहीं पड़ना, एनुअल के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे मेंबर बनना है इस ऑर्गेनाइजेशन का और मैं पूरी जिंदगी की फीस एक ही बार दे देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। अब लाइफ मेंबरशिप फीस आपने एक इंसान से पैसे ले लिए और लाइफ टाइम के लिए उसे अपना मेंबर बना लिया, तो अब आपको जिंदगी भर उसे अपनी सर्विसेज देनी है या नहीं देनी है? पहली चीज, आपके लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, बर्डन क्रिएट हो गया। दूसरा, ये पैसा रोज रोज तो मिलेगा नहीं, ये एक इररेगुलर नेचर की बात है, लाइफ मेंबरशिप बहुत कम लोग लेते हैं, तो बेसिकली ये एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट कर रहा है और इररेगुलर है, तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है? एंडोमेंट फंड होता है कि आपको कोई गिफ्ट मिला, कोई पैसा मिला, बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसे दिए और उन्हें बोला कि भाई ये पैसा आप सिर्फ बच्चों की एडुकेशन पे लगाओगे। पैसे तो दे रहा हूं लेकिन फॉर विद अ पर्पस दे रहा हूं, विद अ ऑब्लिगेशन दे रहा हूं, आप इस पैसे को और कहीं नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन पे यूज होगा। तो अगर मैं वो ऑर्गेनाइजेशन हूं या आप ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं पैसा दे रहा हूं, आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको पैसा मिल रहा है ऑब्लिगेशन के साथ आ रहा है कि सिर्फ कहां पे लगाना है? एडुकेशन पे। लायबिलिटी हुई या नहीं हुई, तो ये भी कहां जाता है? एंडोमेंट फंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है। इसके बाद एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस एक क्लब में एंटर करने के लिए, जैसे स्कूल में एक रेगुलर फीस जो होती है मंथली, वो लाइक सब्सक्रिप्शन हो गया, बट शुरू में ही एडमिशन फीस मांगते हैं, नहीं मांगते हैं कि एडमिशन फीस दो। सिमिलरली क्लब में मेंबर बनने के लिए या किसी एनपीओ में, कई बार एनपीओस डिमांड करते हैं एंट्रेंस फीस, ये इनके लिए एक नॉर्मल इनकम है, रेगुलर नेचर की इनकम है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई एंटर कर रहा है, एंट्रेंस फीस दे रहा है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाता है, ये याद रखना, ठीक है। डोनेशन, डोनेशन यानी दान, इन्हें जो डोनेशन मिल रही है, इन्हें मिलता है, दे कुछ नहीं रही है, आप एनपीओ की बुक्स बना रहे हो, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जिसका कोई खास पर्पस नहीं है, बस वो जनरल है, बस मिल गई नॉर्मल। एक होती है विद पर्पस कि मैंने डोनेट करा और डोनेट करा पैसे देके कि मैंने बोला भाई इससे बिल्डिंग बनेगी, मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया और मैंने बोला कि आप इससे बिल्डिंग ही बनाना, जस्ट लाइक एंडोमेंट फंड, बस यहाँ पे डोनेशन के नाम से है, यहाँ पे एंडोमेंट फंड के नाम से है, ठीक है। तो डोनेशन दो प्रकार की हो गई, जनरल तो नॉर्मल सी इनकम है, तो इसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में लिख देना, बट अगर लिखा हो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बुक्स, डोनेशन फॉर समथिंग स्पेसिफिक, तो उसको आपको कहां लिखना है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। ओके हो गया जी। लेगेसी, लेगेसी क्या होता है कि अगर किसी की विल, वसीयत के थ्रू आपको सामने वाले की प्रॉपर्टी मिल जाए, है ना, सामने वाले ने वसीयत में लिख दिया कि मेरी सारी संपत्ति इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम है ना, तो उसके मरने के बाद, उसके जाने के बाद उसकी सारी लेगेसी यानी सारी विल, सारी संपत्ति, सब कुछ आपका। अब लेगेसी में भी याद रखना दो प्रकार की चीजें चलती हैं, लेगेसी भी जनरल होगी या स्पेसिफिक होगी। अगर जनरल है तो जनरल में आपको उसको सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में दिखाना है, ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, याद रखना लेगेसी के ट्रीटमेंट को आपको इनकम में दिखाना है। बट अगर स्पेसिफिक है यानी लेगेसी विद पर्पस लिखा हुआ है, किसी पर्पस के साथ, तो वहां पे आप इसको कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाओगे। पहले इसके ये दो ट्रीटमेंट नहीं थे, पहले हम लेगेसी को सिंपली लायबिलिटी में दिखा देते थे, लेकिन अब आपको याद रखना है कि सिर्फ लेगेसी लिखा हुआ है या लेगेसी के साथ पर्पस भी है। सिर्फ लेगेसी है तो इनकम में जाएगा, पर्पस है उसके साथ कोई ना कोई तो लायबिलिटी में जाएगा। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लैरिटी आएगी। लास्ट होता है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। पेमेंट, पैसा जा रहा है
ऑनरेरियम क्या है जी? देखो ये जो क्लब्स हैं, एनजीओज हैं, एनपीओज हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये यूजुअली टाइम टू टाइम इवेंट्स कराते हैं। अब वहाँ पे लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप आओ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, अब स्पीकर्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, ऑरेटर्स आएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे, तो उन्हें ऑनर तो करोगे जाते टाइम, उन्हें पैसे या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे दे दो या कुछ बुके दे दो या कुछ मतलब गिफ्ट दे दो, पेमेंट तो होगा। तो ऐसे लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है बट फॉर सम टाइम वो हमें कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो हम उन्हें पेमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम ये इवेंट्स ऐसे होते रहते हैं बार बार, इनके लिए एक नॉर्मल सा खर्चा है, ठीक है। अब एसेट तो बन नहीं गया, पेमेंट हो रहा है, तो यहां पे इसको हम कहां लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी जो आपके एग्जाम में भी पूछी जाएंगी और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी जरूर आएंगी। देखो टॉपिक का मतलब और नाम सबसे पहले लिख लेते हैं, वो है सब्सक्रिप्शन। ये टॉपिक बहुत परेशान करता है भाई, बहुत बहुत परेशान करता है, जैसे घर में एक छोटा बच्चा परेशान करता है ना, मैं एनपीओ में ये सब्सक्रिप्शन परेशान करता है एज अ छोटा बच्चा, पूरे दिन इधर उधर कम ज्यादा प्लस माइनस परेशान। ये चिंटू है एनपीओ का। अब सब्सक्रिप्शन समझो, सब्सक्रिप्शन क्या है जी? देखो जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, कोई भी बिजनेस होगा चलाने के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो चाहिए ना, ये उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्या है सब्सक्रिप्शन का मतलब, कि अगर आपको किसी भी एनपीओ का, क्लब का, हॉस्पिटल का मेंबर बने रहना है, वो लोग बोलते हैं आप हमें एक एनुअल या मंथली सब्सक्रिप्शन दो यार। अब सब्सक्रिप्शन मिल तो जाता है लेकिन कई बार क्या होता है, इस साल का कुछ सब्सक्रिप्शन लेना रह जाता है, कई बार क्या होता है कि किसी का पिछले साल का रह गया था उसने अब दे दिया, कई बार क्या होता है किसी के पास पैसा फालतू है उसने बोला अरे यार अगले साल का भी पकड़ ना, अगले साल क्या पता पैसा होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं इसके अंदर, वही तो परेशान करती हैं। आओ सबसे आसान तरीके से उसको मतलब समझते हैं। सबसे पहले देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल हम काम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, यानी 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 20, ओके हम ये काम कर रहे हैं। अब समझो आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया लेट सपोज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए मैं यहां बहुत साफ साफ लिख रहा हूं, टोटल रिसीव्ड, ठीक है ये याद रखना। अब टोटल में पहला भी हो सकता है बाद का भी हो सकता है, एडजस्टमेंट होंगी इसमें, सही है। अब मैंने बोला कि एक पिछला साल है सर, पिछला साल कौन सा होगा, जो कि 1 अप्रैल 18 से शुरू हो रहा होगा यहां तक, इसके बाद अगले वाले साल 31 मार्च 21, फिर अगले 31 मार्च 22 एंड सो ऑन, जितने भी साल हो सकते हैं वो सब हमारे लिए एडवांस है, हम तो इस साल का काम कर रहे हैं। हमारा चिंटू तो यहां बैठा है फिलहाल, चिंटू फुल खुश है, ठीक है, हम इस साल का काम कर रहे हैं, ये अगले वाले सारे हमारे लिए एडवांस है, पिछले वाला हमारा प्रीवियस ईयर है, ओके। अब देखो क्या हुआ जी, इस साल का कुछ पैसा लेना रह गया, इस साल का करंट ईयर का लेट सपोज 5,000 रुपए इसी साल के थे लेने रह गए। अब भाई इसी साल का पैसा है लेना रह गया तो हमें इसमें जोड़ना चाहिए ना, पैसा इस साल का है कि नहीं, मेंबर ने पैसा नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, जो करंट ईयर का जो रह गया ना इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, याद रखना जो पैसा लेना रह गया इसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं एनपीओ में। ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि भाई इस साल का पैसा है ना, लेना रह गया तो जोड़ दो, ठीक है, भले ही वो कभी भी मिले, है तो इस साल का ना, आप इस साल में जोड़ दो, ओके। एक होता है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब वो पिछले साल का पैसा था जो इस साल मिला। अब सुनो मेरी बात, 5,000 मुझे इस साल लेने थे वो मिले नहीं है, मिले नहीं है, वो कहीं आगे मिलेंगे, लेकिन मैं जोड़ तो रहा हूं ना इसी साल में क्योंकि वो इस साल का पैसा है। अब वो चाहे यहां पे मिले चाहे वो यहां पे मिले, मैं यहां से भी हटा दूंगा, यहां से भी हटा दूंगा, क्यों हटा दूंगा, क्योंकि मैं उसे यहां पे जोड़ चुका हूं ऑलरेडी, भले ही यहां नहीं मिला था, अगले साल में अगर मिलेगा ना तो मैं उसे वहां से हटाऊंगा। सर क्यों हटाऊंगा, क्योंकि मैं यहां पे जोड़ चुका हूं उसको, तो जो इस साल का पैसा मिलना रह जाता है ना उसे जोड़ दो, ओके। अब इस साल 10,000 रुपए मिले जो कि पिछले साल के थे, यानी कि 10,000 इस 1 लाख में 10,000 वो है जो पिछले साल के थे। भाई जब पिछले साल का पैसा है तो पिछले साल जोड़ दिया होगा ना, ऐड कर दिया होगा ना, वो भले ही वो अब मिल रहा है, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि ये 5,000 जब भी मिले मैंने ऐड अभी कर दिया, सिमिलरली ये 10,000 पिछले साल जोड़ दिया होगा ना, तो इस साल क्या करूं, इसे अपनी बुक्स में से हटा दो, इसे लेस कर दो,
ये लेस होता है, मैं जहां भी ब्रैकेट लगाऊंगा वो हट रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो दो पॉइंट पकड़ो, जो इस साल का पैसा लेना रह गया है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जोड़ दो, जो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है जो पिछले साल लेना रह गया था उसे माइनस कर दो, क्योंकि वो आपने पिछले साल ऐड कर दिया होगा। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद अब बात कर लेते हैं एडवांस की, करंट ईयर का एडवांस यानी इस साल हमें कुछ अगले साल का पैसा मिला है, यानी कि इस साल का कुछ पैसा अभी मिल गया, या इस साल का कुछ पैसा अभी मिल गया, या आने वाले किसी भी साल का पैसा अभी मिल गया। अब भाई आने वाले चाहे एक साल का मिले, चाहे दो साल का मिले, चाहे तीन साल का मिले, चाहे 25 साल का मिले, है तो मेरे लिए एडवांस ही नहीं। इस साल से आगे जितना भी पैसा होगा वो सब एडवांस है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी बच्चे को 11th पढ़ा रहा हूँ अभी, उसने मुझे 12th की फीस भी दे दी, एडवांस हो गया वो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 11th में ही उस बच्चे ने 12th की भी फीस दे दी तो मुझे लिखना तो उसे 12th में ही चाहिए ना, मैं उसे अपनी 11th की इनकम में नहीं दिखा सकता, 11th में बस 11th की इनकम दिखाऊंगा। जो 12th का पैसा है वो मैं इस साल वाली बुक्स में से हटाऊंगा, क्योंकि वो तो अगले साल का पैसा है ना भाई। अगर इस साल इनकम बढ़ा दोगे तो इस साल क्या पोजीशन बढ़ जाएगी मेरी, बिगड़ जाएगी पोजीशन। पैसा अगले साल का भी अगर इस साल जोड़ दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो इस साल में जो भी आपको एडवांस पैसा मिला है उसे माइनस कर दो, फॉर एग्जाम्पल 8000, ये आप माइनस कर देंगे, ठीक है जी। आप माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अगले वाले सालों का पैसा है, है ना। और प्रीवियस ईयर एडवांस क्या होता है सर, लेट सपोज 4000। प्रीवियस ईयर एडवांस का मतलब होता है जो कि पिछले साल हमने एडवांस माना था, हमने पिछले साल उसको एडवांस माना था। अगर पिछले साल एडवांस माना था यानी वो इस साल का पैसा होगा ना, अगर पिछले साल के लिए वो एडवांस था तो वो इसी साल का पैसा होगा ना भाई, तभी तो पिछले साल में उसको एडवांस कंसिडर कर रहा था। मैं पिछले साल 11th में मैं ये बोल रहा था कि मेरे लिए ये पैसा एडवांस है, तो इसका मतलब 12th का ही पैसा है ना वो, समझ गए। तो जो प्रीवियस ईयर एडवांस है वो पैसा इस साल का है जो कि वहां मिल गया था, तभी तो हमने उसे एडवांस माना था, तो उसको क्या करना है जोड़ दो, क्योंकि पैसा तो इस साल का है, वहां से तो हटाया होगा, यहाँ पे उसको एडवांस माना था तो हटाया होगा ना। ये जरा लैंग्वेज ध्यान से पकड़ने वाली चीजें हैं, ठीक है। इस साल का एडवांस का मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हिंदी में, इस साल का एडवांस का मतलब अगले साल का पैसा तो अगले साल लिखेंगे, इस साल हटा दो। प्रीवियस ईयर एडवांस का मतलब इस साल का पैसा जो पिछले साल मिला था, है ना। तो पिछले साल हमने इसको एडवांस माना था, वो इसी साल का पैसा है, इस साल का पैसा है तो जोड़ दिया, अगले साल का पैसा है तो माइनस कर दिया, समझ गए। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब इस साल का पैसा जो नहीं मिला, लेकिन है तो इसी साल का ना, इसीलिए ऐड कर देंगे। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब पिछले साल का पैसा मिला, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, ये पिछले साल का पैसा मिला। तो देखो जो भी चीज़ इस साल की है वो ऐड हो रही है, और जो भी अगले या पिछले की है वो माइनस हो रही है, सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। तो अब आपके पास करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना, 1,05,000 प्लस 4 1,09,000, 19 में से 10 हटाया 99 में से 8 हटाया 91,000 रुपीस हमारा सब्सक्रिप्शन बैठता है। 1,05,000 प्लस 4,000 माइनस 18,000 91, ये स्टेटमेंट होती है। बट मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को कभी भी स्टेटमेंट बनाना रिकमेंड नहीं करता, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ अकाउंट बनाओगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। सर अकाउंट कैसे बनता है, क्या हम इसे अकाउंट में भी लिख सकते हैं। बच्चे बोलते हैं सर अगर अकाउंट बनाएंगे तो नंबर तो नहीं कट जाएंगे। नहीं बेटा कोई नंबर नहीं कटेंगे, आपका सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स है, और अगर अकाउंट बनाने पे आपके नंबर काट दिए जाएं तो फिर तो वो बच्चे के साथ जायज नहीं होगी ना बात। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है सर, सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं जितना भी टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जितना भी आपको टोटल मिला है इंक्लूडिंग अगला पिछला इस साल वाला सब,
टोटल जितना भी मिला वो आप यहां पे लिख देते हो, ठीक है। अब जो आउटस्टैंडिंग होता है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, वो यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या फिर और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, एक ही बात है, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जितना भी आपका लास्ट में आउटस्टैंडिंग बच गया है। इसके बाद इधर क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस, और इधर आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। फिर आपके पास, आपको यहां पे एक बैलेंस निकालना है, इसको बोलते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या होता है, ये आपके पास निकल के आता है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। ये हमेशा कैसे निकलेगा, बैलेंस में निकलेगा, आपको यही चाहिए होता है, यही चाहिए आपको मेन, समझ रहे हो, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। ये कैसे निकलेगा, ये तीनों को प्लस करो, ये दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा, सही हो गया। अब देखो सर, इस अकाउंट को थोड़ा जस्टिफाई सा कर देते, थोड़ा अच्छा सा लगता हम लोगों को अगर आप जस्टिफाई कर दोगे, ये क्या करा आपने, समझ सा नहीं आया। देखिए बेटा जी, टोटल रिसीव्ड 1 लाख, यहाँ चिपका दो 1 लाख रुपीज। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 10, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 5, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 10, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 5, ठीक है। ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस, चलो ओपनिंग एडवांस यानी प्रीवियस ईयर एडवांस 4000, ये रहा प्रीवियस ईयर एडवांस 4000, इस साल वाला 8000, प्रीवियस ईयर 4000, इस साल वाला 8000। क्या सर आप वैल्यू निकाल सकते हो, 1,09,000 माइनस 10 और 8, 18,000, तो बेसिकली वही आ जाएगा 91,000। यही 91 यहां पे आया है और यही 91 यहां पे आया था। बात एक ही है, दिखाने का तरीका अलग अलग है। मैं आपको क्यों बोलता हूं कि अकाउंट बनाओ, क्योंकि यहां से आपके पास बहुत क्लियरली चीजें आएंगी। अभी आगे एडजस्टमेंट्स भी आएंगी, फिर एडजस्टमेंट्स में कंफ्यूजन होगा, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, इसीलिए आपको ये बनाना जरूरी है। ये इसका फॉर्मेट देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है, सबसे ऊपर यार जरूर लिख लिया करो, हमेशा यहाँ पे वही चीजें आती है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बच्चे परेशान होते हैं फिर, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये आपका लिखना जरूरी है, परफेक्ट हो गया। तो ये आ गया हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये आ गया आपके पास स्टेटमेंट का फॉर्म, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो यार, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, हो गया जी। अब ये आपको मैंने फॉर्मेट समझा दिए, इसके बाद मैं अब आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ, कि इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो जबरदस्त क्वेश्चंस करते हैं और तुम्हारा माइंड की एकदम से कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाएगी सब्सक्रिप्शन को लेके। क्या लिखा है, ईयर 2021 का डेटा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज, टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है 2 लाख रुपए। चलो कौन याद कर रहा है भाई मुझे इतना, ओहो। हम सबसे पहले बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन से साल का बनाना है, 2021 का। अच्छा मेरे से बच्चे पूछ रहे थे सर इस वीक में हमें ADS भी तो पढ़ना, ADS का 1 शॉट कराऊंगा तुम्हें, पूरा यूनिट एक ही वीडियो में, कमाल सर कमाल। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज, तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट 2 लाख रुपीज, जितना भी आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके हो गया जी ये काम। अब आगे बढ़ते हैं, 2021 का काम कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2020, हम 2021 का काम कर रहे हैं बेटा जी, यानी कि 1st April 2020 से 31st March 2021
हम इस साल का काम कर रहे हैं और ये यहाँ का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1 अप्रैल 20 का, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपए। कहाँ लिखते हो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपए, यानी कि पिछले साल मुझे इतना पैसा लेना था जो अभी तक नहीं मिला है। ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है, बड़े ध्यान से समझना इसको। इसमें लिखा है आउट ऑफ विच 3500 वॉज रिसीव्ड, ये जो हमें 2 लाख मिले हैं ना, इसमें पिछले साल वाले 5,000 तो नहीं लेकिन कितने 3500 मिल गए हैं। तो यहां से आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए कि मुझे पिछले साल एक 5,000 लेने थे जो नहीं मिले थे, ठीक है, जिसमें से इस साल वाले पैसे में, इस 2 लाख में, इस साल वाले पैसे में मुझे कितना पैसा मिल गया है, 3500 मिल गए हैं। सर अगर 3500 मिल जाए तो क्लोजिंग में प्रीवियस ईयर वाले यानी पिछले साल वाले 1500 तो मुझे दिख रहा है कि वो ही लेने होंगे। भाई शुरू में 5,000 लेने थे जिसमें से 3500 मिले सिर्फ, तो 1500 अभी आउटस्टैंडिंग रह गए या नहीं रह गए? क्लोजिंग में 1500 तो पिछले साल के ही रह गए, बाकी पता नहीं। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे पिछले साल में आपसे 5,000 रुपए लेने हैं, ठीक है, और इस साल का भी कुछ पैसा लेना है, इस साल का सपोज 10,000 रुपए लेना है, ठीक है। आपने कुछ पैसा दिया, उसमें पिछले साल के सिर्फ 3500 हैं, तो भाई 1500 तो भी पिछले साल के ही रह गए लेने, है ना। अब इस साल के 10,000 में से जितने भी मिले होंगे, सपोज 9,000 मिले, तो 1,000 इस साल के लेने रह गए, टोटल 2500 लेने रह गए या नहीं रह गए? इसको मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालते हो उसमें पिछला जितना भी पैसा बच गया है वो सब लिखते हो, ठीक है। चलो मैं ये हटा रहा हूं। देखो सर, पिछले साल लेने थे 5,000 जिसमें 3500 मिले हैं, इस 2 लाख के अंदर 3500 पिछले साल वाले हैं, तो 1500 रह गए ना। अच्छा आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 20, ऑन 31 मार्च 21। एडवांस ओपनिंग का भी गिवन है, एडवांस क्लोजिंग का भी गिवन है, 3,000 और 4,100, 3,000, 4,100। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस, टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग एडवांस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एडवांस आपको पता होना चाहिए। अब आपको निकालना क्या होता है, आपको निकालना होता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आएगी। उसके लिए पहले मुझे ये फिगर देखनी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर B21 इज 6400। बोल रहे हैं आप ये बताओ कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021 का 6400 है, 2021 का यानी इस साल का, इस साल का 6400 है यानी करंट ईयर का 6400 है। लैंग्वेज को पकड़ो जरा, मुझे 5,000 पिछले साल के लेने थे जिसमें कि 3500 इसके अंदर आए हुए हैं, तो 1500 तो पिछले साल वाले ड्यू रह गए, मैंने वो लिख दिया। इस साल के ड्यू कितने हैं, 6400। ये क्वेश्चन बता रहा है कि इस साल के इतने ड्यू हैं, ओके, ये एडवांस है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 5,497,700 हो गया। तो अब आप बता दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, एक बार टोटल कर लो, 2,10,900 में से 9,100 हटा दो, 2,10,900 - 9,100, तो जो मेरे पास फिगर आ रहा है वो 2,01,800 आ रहा है, 2,01,800 आ रहा है। फटाफट से रिकॉर्ड करके चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 2,01,800, समझ में आया। ये प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग, ये करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस, ये टोटल रिसीव्ड, और ये आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा इस साल का, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन सर, इसी में एक बी पार्ट और दिया हुआ है, बी पार्ट में क्या चेंजेस होंगे जरा ध्यान से देखो। बी पार्ट की भी अगर मैं बात करूं, मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है बाय रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट 2,00,000 रुपए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
बैलेंस कैरेट डाउन कितना कितना था, 3,041,100, 3,041,100, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 5,000 हमें यहां मिल गया था। अब लैंग्वेज पलटेगी बेटा जी, लैंग्वेज पलटेगी। देखो मुझे 5,000 लेने थे जिसमें से 3,500 मिले थे, तो 1,500 मिलने रह गए थे, है ना, प्रीवियस ईयर वाले 1,500 मिलने रह गए थे। अब ये आपको क्या बोल रहा है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2021, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड ऑन। फॉर का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर साल का, जैसे हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग दिस, फॉर द ईयर एंडिंग दिस। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि इस डेट पे फुल एंड फाइनल ये अमाउंट आएगी, ये याद रखना बेटा जी। फॉर का मतलब होता है इतने से इतने तक, यानी एक साल का, जैसे इसने बोला था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021, यानी सिर्फ एक साल की बात कर रहा था। अभी क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, 6,400, यानी कि 6,400 टोटल है ये, समझे, यानी इसमें ये 1,500 और सब आ गया। ऑन 6,400 का मतलब है कि बस अब ये फाइनल अमाउंट है, फुल एंड फाइनल, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। तो सर अब क्या चेंज आएगा, 2,639,000 माइनस 2 लाख प्लस 3000 प्लस 6400, 2,09,400 माइनस 5000 माइनस 4100, इस बार आएगा 2,00,300, 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको ये निकालना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए पता होना बहुत जरूरी है कि कहां पे ऑन का यूज है, कहां पे फॉर का यूज है। फॉर का मतलब एक पर्टिकुलर ईयर का, ऑन का मतलब फुल एंड फाइनल वो अमाउंट बस, समझे। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना होता है, बड़ा एक्सेप्शनल जबरदस्त क्वेश्चन है। फॉर लिखा है तो 6400 मैंने अंदर लिखा कि ये इस साल का इतना, पिछले साल का इतना, टोटल इतना। ऑन लिखा है तो अमाउंट बाहर आएगा, ठीक है, बढ़िया सवाल। एक ही जगह कर देता हूँ क्वेश्चन और दोनों सॉल्यूशंस को, लो जी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करें बढ़िया सा, आ जाओ इस प्रकार का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कौन से साल का, 1516 में, 1516 में मुझे टोटल ये सब्सक्रिप्शन मिला है और इसमें 3 साल का पैसा है बेटा जी, 14-15 का यानी प्रीवियस ईयर का, 1516 जो अभी चल ही रहा है, और 16-17 यानी अगले साल का। चलो देख लेते हैं, अब अगर आपको करना हो काम तो कैसे करोगे, अभी तो बोलता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना जरूरी है, स्टेटमेंट में तो बच्चा वैसे ही कंफ्यूज हो जाए क्या करना है क्या नहीं करना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय रिसेप्शन पेमेंट, हम कौन से साल का काम कर रहे हैं, 1516 का काम कर रहे हैं। मुझे टोटल पैसा कौन कौन से साल का मिला है, एक तो 14-15 का मिला है, कम से कम 3,000, 1516 यानी इस साल जो पैसा मिला है 96,000, और 16-17 यानी अगले साल का मिला है 2,500। अब सबसे पहले ये टोटल हो गया 1,01,500। अब एडजस्टमेंट्स में बाद में देखूंगा, पहले इसे एनालाइज करना सीख लो, एडजस्टमेंट्स को छोड़ो, पहले एनालिसिस सीखो, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई साहब पिछले साल का मिल गया 3,000, इस साल का मिल गया 96,000 और अगले साल का मिल गया 2,500। जो अगले साल का मिल गया क्या वो क्लोजिंग एडवांस नहीं हुआ, इस साल अगले साल का पैसा मिल गया, एडवांस है या नहीं है क्लोजिंग, तो उसको कहां लिखना है, इस वाले फिगर को ना, इस वाले फिगर को एज इट इज इधर ले आओ, 2,500 किस नाम से, क्लोजिंग एडवांस, याद रखना बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं आज, जो अगले साल का पैसा होता है। अब चाहे यहाँ पे 17-18 का दिया हो, 18-19 का दिया हो, हम इस साल का काम कर रहे हैं ना, इसके बाद जो भी है वो सब एडवांस है, टोटल जोड़ के यहाँ ले आना, ठीक है। अच्छा जी, और एक चीज आपके माइंड में और आनी चाहिए कि मुझे पिछले साल का 3,000 मिला है, इट मींस कम से कम इतना तो पिछले साल लेना ही होगा,
तभी तो मिला है भाई मुझे, अगर पिछले साल का कोई पैसा मिला है इट मीन्स इतना तो लेना ही होगा ना, तभी तो पैसा आया, अगर नहीं लेना तो कोई पैसा क्यों देगा पिछले साल का, है ना। तो ये भी अपने माइंड में रखना कि कम से कम शायद 3,000 तो लेना ही होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ये 3,000 बाहर लिख देना कि इतना लेना था इतना मिल गया, क्वेश्चन साइलेंट ना हुआ तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो करेंगे, बट माइंड में आना चाहिए ये चीज, ठीक है। ये मैंने वैसे ही लिख लिया। अच्छा जी, अब देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 15 5,000। इसने बता दिया कि शुरू में मेरा 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो इसका काम खत्म, इसका कोई यूज नहीं है। ये ना दिया होता तो मैं 3,000 ही यहां पे लिख रहा होता खुद से, समझे, बट इसने दे दिया तो अब फिर से इसने बता दिया मुझे, क्लैरिटी आ गया मुझे कि मुझे शुरू में 5 लेने थे, इस 5 में से कितने मिले, 3, तो पिछले साल का कितना पैसा लेना रह गया, 2,000। ये तो प्रीवियस ईयर के लेने रह गए बेटा जी, ठीक है। अच्छा जी, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16, इसने बोला टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो 12,000 है, पहला बाद का छोड़ो, बस टोटल 12,000 आउटस्टैंडिंग है तो बाहर कर दो, सीधा अमाउंट बाहर। अब अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये सब यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 15 2,800, यानी ओपनिंग एडवांस 2,800। बस सारे फिगर्स मिल गए, अमाउंट कितना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो निकाल दो, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको हमेशा यही कैलकुलेट करना होता है। 1,01,500 प्लस 12,000 प्लस 2,800, 1,16,300 माइनस 5,000 माइनस 2,500, 1,08,800 ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हमें हमेशा ही बैलेंस में निकालना है, इसी के लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं, समझ में आया। इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस चलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स क्या है बेसिकली इसका मतलब। देखो, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हम एज अ एनजीओ खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज हो जाते हैं, तो अब उनको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में तो लिखना पड़ेगा ना, कि अगर आपने कोई चीज कंज्यूम कर ली, खुद ही यूज कर ली, तो उसको आप एज अ एक्सपेंस, जो भी आपका कॉस्ट आया है उसे क्लेम भी तो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस प्राइस पे लिखते हैं हम उसे, कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। तो कॉस्ट कैसे निकाली जाए किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स की, सर ऐसे कंज्यूमेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हो सकता है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो सकता है, सर पता कैसे चलेगा कि कंज्यूम हुआ है या नहीं हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि आपके पास उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के स्टॉक्स गिवन होंगे कि शुरू में स्टेशनरी इतने की थी, लास्ट में इतने की थी, साल के बीच में इतनी खरीदी थी। जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मेरे पास साल के शुरू में 1,00,000 रुपए की स्टेशनरी थी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने साल के बीच में 20,000 की और खरीद ली थी, तो इसमें मैं प्लस कर देता हूँ परचेजेस, मैंने प्लस कर दिया कि 20,000 रुपीज की और खरीद ली थी, तो मेरे पास टोटल 120 की स्टेशनरी होनी चाहिए, है ना। मैंने देखा साल के लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो 80 ही बच रहा है, होनी चाहिए थी 120, लेकिन बच कितना रहा है 80। अब बेची तो है नहीं मैंने स्टेशनरी, सोल्ड तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब वो 40,000 की स्टेशनरी कहां गई, कंज्यूम हो गई, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकालना हो तो ये फॉर्मूला चलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का फॉर्मूला है। अब इसको सर क्या मैं अकाउंट के फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, हाँ आप इसका एक अकाउंट भी बना सकते हो जिसको हम स्टॉक अकाउंट बोलते हैं, कौन सा अकाउंट बोलते हैं उसको हम स्टॉक अकाउंट। सर स्टॉक अकाउंट बनता कैसे है, सबसे पहले आप यहां पे लिखते हो ओपनिंग स्टॉक, कौन सा स्टॉक होता है ये, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है।
उसके बाद आप यहां पे लिखते हो परचेजेस, जो भी आपकी परचेजेस है। सर आपने बैंक और क्रेडिटर दो अलग अलग क्यों लिखे? देखो जब माल खरीदते हो तो दो तरीके से खरीदते हो, आप कैश में भी खरीद सकते हो, आप उधार में भी खरीद सकते हो। तो यहां पे आपकी टोटल परचेजेस आती हैं, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक, उसको क्या बोल देते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब आपके पास यहां पे ये जो वैल्यू आती है, यहां पे आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये वैल्यू है जो हमें जरूरत होती है। देखो 1 लाख आपने यहां लिखा, 20 का परचेज 120 माइनस क्लोजिंग 80, वही 40 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बस वही फॉर्मूला है, बस इसको अकाउंट की फॉर्म में बना दिया मैंने, एक ही बात है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। है क्या ये मेरे पास, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इसी तरीके से आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हमने स्टॉक अकाउंट बना लिया। इन केस कई बार क्या होता है, कई बार आपको ये क्या है सर, ये है क्रेडिट परचेजेस, ये क्या है, क्रेडिट परचेजेस। तो कई बार क्या होता है, आपको क्रेडिट परचेजेस गिवन नहीं होती। सर क्रेडिट परचेजेस गिवन नहीं होती मतलब ये है कि क्रेडिट परचेज नहीं दिया होगा, क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। यानी कि नोट करो, टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेजेस We will prepare creditors account. Purchases निकालने के लिए हम कौन सा अकाउंट बना देंगे, creditors का अकाउंट बना देंगे। सर creditor का अकाउंट क्यों भाई, जिससे उधार में माल खरीदा है वो creditor ही तो होगा, है ना। तो कैसे निकलता है देखो, ये आपका होता है creditor account। सबसे पहले by balance brought down, इसको opening creditor बोलते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग क्रेडिटर है, ब्रॉड डाउन आपको बताइए, ओपनिंग ये कौन सा है, ओपनिंग ये कौन सा है, क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर लिख दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर लिख दिया, उसके बाद आता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। यानी क्रेडिटर को अगर कुछ पैसा दिया, वो यहां ये क्या है, अगर आपने कोई भी पेमेंट दिया तो वो यहां पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपने क्रेडिटर को कुछ एडवांस दिया हुआ है, एडवांस पेड टू क्रेडिटर, तो एडवांस पेड का ओपनिंग यहां आता है और क्लोजिंग इधर आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एडवांस, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एडवांस। तो याद रखना, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग और क्रेडिटर को एडवांस जो दिया हुआ उसका ओपनिंग क्लोजिंग, ये आपका पेमेंट मेड टू क्रेडिटर हो गया। इधर आपके पास निकल के आ जाती है परचेजेस, ये जो स्टॉक है ये क्या निकल के आया, परचेज। ये वाली जो परचेजेस है, अकाउंट बना लो, ये वाली जो परचेजेस है ये एज इट इज यहां लिखी जाती है, ठीक है। मतलब आपको परचेजेस अगर गिवन ना हो तो ये अकाउंट बनेगा। यहां से आपको क्या क्या गिवन होगा, अगर ये एडवांस गिवन है तो लिखना, एडवांस गिवन नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया। ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन होगा, पेमेंट मेड गिवन होगा, पेमेंट यहां लिखना, ओपनिंग क्लोजिंग यहां लिखना, ये स्टॉक निकलेगा, ये दोनों प्लस करो या माइनस करो, ये स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो स्टॉक आया इसे यहां पे लिखना है और आपके पास ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। सर अगर हमें स्टॉक या परचेजेस गिवन ही हुआ तो क्या हमें तब भी क्रेडिटर अकाउंट बनाना है? नहीं, अगर आपको परचेजेस गिवन हुआ तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे स्टॉक अकाउंट बना सकते हो, या फिर इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओ। बस याद रखना, ये जो परचेजेस है ना,
ये टोटल परचेज होना चाहिए, यानी क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। चाहे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो गड़बड़ रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया जी। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट है जो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का चलता है। शुरू करते हैं हम लोग अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के साथ। और कॉम्प्रिहेंसिव में आपको एनपीओ में क्या क्या बनाना होता है? एनपीओ में आपको तीन चीजें बनानी होती है। देखो, सबसे पहले एक बेसिक समझो कि आपके पास एनपीओ में अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपके पास इधर रिसिप्ट्स दी होती है और इधर आपके पास पेमेंट्स दी होती है। ठीक है। अब ये जो रिसिप्ट्स हैं या ये जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट आपकी दो जगह पे जा सकती हैं। या तो ये जो पेमेंट है ये जाएगा इधर एक्सपेंडिचर साइड में, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, और या फिर ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स में, और कहीं नहीं जाएगा। या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या आपका एसेट्स में जाएगा। लेकिन जो रिसिप्ट्स हैं वो आपके पास या तो जा रही होंगी इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और या जा रही होगी लाइबिलिटी में। आपको ये पता होना चाहिए, बस ये बेसिक्स आपके माइंड में सेट है तो एनपीओ आपका बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बनता है कि खर्चे जो हैं वो या एक्सपेंडिचर में जाएंगे या एसेट में जाएंगे, रिसिप्ट्स जो हैं इनकम या लाइबिलिटी में जाएगी। अब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखना है। देखो, एक क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया, एक ऐसा बैलेंस शीट बना लो ओपनिंग, और एक बैलेंस शीट बन जाएगा क्लोजिंग। यूजुअली इस बार चांसेस कम है बैलेंस शीट आने के, इनकम एक्सपेंडिचर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बैलेंस शीट, बट फिर भी प्रैक्टिस तो करनी ही है। एक हो जाती है बैलेंस शीट आपके पास ओपनिंग वाली। ओपनिंग का मतलब होता है ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर के 31 मार्च पे बनी है ये। और एक बैलेंस शीट आप अब बना रहे हो करंट ईयर वाली, यानी कि जो अभी इसी साल बन रही है। ठीक है। उसके बाद हम अपनी इस साल के खर्चे, इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हैं कि हमारे इस साल के खर्चे कितने हैं, कितना हमारा इस साल का एक्सपेंडिचर है और कितना हमारे इस साल के इनकम से। लो, ये तीन फॉर्मेट्स आपको चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके साथ एडिशनल हो सकता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़े, हो सकता है हमें कंज्यूमेबल गुड्स वाला टॉपिक इसके अंदर आ जाए। तो सारी चीज़ें मैं जितने भी बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें सब कवर होंगे। बट बिफोर मूविंग टू दिस पार्ट, सबसे पहला होमवर्क है आपका कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पहले वो पूरे करना। कल वाले वीडियो पे जाने से पहले, कल आपके पास फिर से 7 बजे वीडियो आएगा, तो कल वाले वीडियो में जाने से पहले आज वाला होमवर्क पूरा करना, आपका एनपीओ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास है, सबसे पहले ये क्वेश्चन इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। अब अगर रिसेप्शन पेमेंट को आप ध्यान से देखो तो इसमें ना हमेशा आपको दो चीज़ें सबसे पहले देखनी है। सबसे पहले क्या, एक तो ये ओपनिंग बैलेंस और एक ये क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको सबसे पहले दिखना चाहिए। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये कैश का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? कैश का। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट है। ठीक है। तो सबसे पहले इसे बैलेंस शीट में लिखते हैं, 8500 और 8300। ये मेरे पास कैश है पिछले साल वाला, ये मेरे पास कैश है इस साल वाला। ओके, अच्छा, अब हमारे पास और क्या क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड से शुरू करते हैं। रिसिप्ट में हमें इस साल क्या क्या मिला है? सबसे पहले मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है, डोनेशन मिली है, इंटरेस्ट मिला है, चैरिटी शो से कुछ पैसा आया, और ग्रांट इन एड। ग्रांट का मतलब होता है गिफ्ट। ग्रांट देख के बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ग्रांट को बोलते हैं हम गिफ्ट। सही है जी। अब देखो, रिसिप्ट में जितनी भी चीज़ें आई, यहाँ पे रिसिप्ट में जितनी भी चीज़ें आई, ये दो जगह जा सकती हैं। या तो ये जा रही होगी आपकी इनकम में, और या फिर ये आपकी जा रही होगी लाइबिलिटी में, और कहीं नहीं जानी इन्होंने। ये माइंड में सेट रहा तो एनपीओ हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें रिसिप्ट में, या इनकम या लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कब बनेगी? अगर वो आपके ऊपर कोई बर्डन, कोई बोझ लेके आ रही हो, कोई ऑब्लिगेशन लेके आ रही हो, अदरवाइज इनकम रहेगी। अब देखो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर कोई बोझ लेके नहीं आता, है ना। सब्सक्रिप्शन आप नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जब बनते हो तो आप उन्हें देते हो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सब्सक्रिप्शन कोई बोझ नहीं है, उनके लिए रेगुलर उनको आता रहता है, तो एक नॉर्मल इनकम है। सिमिलरली डोनेशन उनके लिए एक इनकम है, सिमिलरली इंटरेस्ट उनके लिए इनकम है, चैरिटी शो करा उससे पैसा मिला इनकम, गिफ्ट मिला इनकम, एक भी लाइबिलिटी नहीं है।
एक बीस के अंदर लाइबिलिटी नहीं है, तो सर लाइबिलिटी होती कैसे है? लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर एक बार लाइफ मेंबरशिप हो गया ना, तो वो पूरी जिंदगी के लिए उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना के रखना है। या डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग के लिए डोनेशन है तो वो लाइबिलिटी है कि उससे बिल्डिंग ही बनेगी, समझ रहे हो? इस तरीके से तो फिलहाल ये इनकम है। क्या क्या? डोनेशन सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हैं तो इसको अभी हम करेंगे। डोनेशन, इंटरेस्ट, चैरिटी शो और गिफ्ट। डोनेशन, इंटरेस्ट, चैरिटी शो और गिफ्ट बाय डोनेशन बाय इंटरेस्ट प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो और ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब हो गया गिफ्ट्स। सब्सक्रिप्शन जो इस साल का होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ज़रा एडजस्टमेंट देखने से पहले मैं अमाउंट भर लूँ इनका। सब्सक्रिप्शन 48,000 का है, डोनेशन 15,000, 15, 9, 12, 20, 15, 9, 12, 20, ये आपके पास 15, 9, 12, 20, ये आपके पास टोटल है। सब्सक्रिप्शन के लिए आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, मैंने पूरा का पूरा ध्यान से कराया आप लोगों को। सब्सक्रिप्शन के लिए यू विल ऑलवेज प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है? देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे बाय रिसेप्शन पेमेंट में लिखना होता है जो सब्सक्रिप्शन मिला है इस साल। वेरी सिंपल, जो भी सब्सक्रिप्शन मिला वो यहाँ लिख दो। देखो हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला, हमें सब्सक्रिप्शन मिला ये 48,000, बस ये, ठीक है। अब ये 48,000 हो सकता है, इसमें पिछले साल का पैसा भी हो, अगला भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना टोटल मिला वो आपको यहाँ लिखना है, ये चीज़ माइंड में सेट रखना। इसके बाद हम इधर लिखते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे क्या लिखते हो आप? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इधर आप लिखते हो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये होता है ओपनिंग एडवांस। और टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। अब जो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं इस पे बेस्ड क्या डेटा दिया है, देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का, इस साल का, 20 यानी पिछला साल, 21 यानी ये वाला साल, 500,000 और 1,500 आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का 500, इस साल का 1,000, पिछले साल का 500, इस साल का 1,000 और एडवांस पिछले साल का 1,000, इस साल का 500, सीधा सीधा ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे रख के चलना है। देखो 500 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, 1,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 1,000 ओपनिंग एडवांस, 500 क्लोजिंग एडवांस, डन, ये हमने कर दिया। तो अब आपके पास यहाँ पे सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। देखो जरा 48, 49, 50, 50,000 माइनस 1,000, 49,000 रुपीज़ का आपका सब्सक्रिप्शन आ गया। 49,000 रुपीज़ आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में लिख दोगे, तो अब आप देखो कि आपका इनकम साइड का सारा काम खत्म। इनकम में डोनेशन भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो भी आ गया। इसमें एक खास एडजस्टमेंट है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो है ये, जो इस क्वेश्चन को कुछ खास बनाती है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इसको अभी देखेंगे कि इसमें क्या खास है। अच्छा कोई बात नहीं, अब हमें और क्या चीज़ें गिवन है। पेमेंट फॉर मेडिसिन, यानी हमने मेडिसिन खरीदी है, मेडिसिन की क्या कुछ स्टॉक गिवन है, ये रहा देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, यानी मेडिसिन का स्टॉक भी है और मेडिसिन के क्रेडिटर भी है। एक टॉपिक होता है हमारे पास एनपीओ में, जिसमें हमें यह देखना होता है कि हमने कितनी मेडिसिन कंज्यूम कर ली। जैसे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ऐसे ही ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। आपने जब P&L बनाया था तो वहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने शब्द यूज़ किया था। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बेसिकली निकलता कैसे है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे निकलता है। अब ओपनिंग स्टॉक तो है मेरे पास, ये रहा 10,000, क्लोजिंग स्टॉक भी है मेरे पास, ये रहा 15,000, लेकिन ये परचेजेस नहीं है, ये परचेजेस गिवन नहीं है। तो इस परचेजेस को हम निकालेंगे क्रेडिटर की मदद से। किसकी मदद से निकालेंगे? क्रेडिटर की मदद से। कैसे निकालेंगे? देखो, मुझे शुरू में क्रेडिटर को कितना पैसा देना था,
8,000 रुपये देने थे, 8,000 देने थे, मैंने दे दिए 33,000। भाई देने थे 8, मैं दे रहा हूँ 33, इतना बड़ा दानी क्यों बन गया मैं, इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे दिया मैंने? ऑब्वियसली माल खरीदा होगा तभी ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। देने थे 8 और दे रहा हूँ 33, और 33 देने के बाद भी कह रहा है कि 12 अभी और देने हैं। बहुत बढ़िया, तो कैसे पता चलेगा? देखो सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊँ, तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, फेयर में ही बना लेते हैं, यहाँ से हटा के फेयर में ही बना लेते हैं। देखो हमें क्या करना होता है इस केस में, सबसे पहले एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं। मैंने इसको 8,000 रुपये देने थे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,000, ये मुझे देना था 8,000 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग में कितने देने थे? 12,000। क्लोजिंग में कितने देने थे? 12,000, 8,000 और 12,000। और पेमेंट कर चुका हूँ कितनी? पेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ 33,000, 33 की पेमेंट कर चुका हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो, 33 की पेमेंट मैंने कर दी, थर्टी थ्री प्लस 12, 45 माइनस 8, 37। इसका मतलब ये हमारी परचेजेस निकल आई, देखो ये परचेजेस आ गई। परचेजेस कैसे पता चली? अब कॉमन सेंस लगाओ, आपके पास 8,000 का आपने पैसा देना था, 37 का आपने और ख़रीद लिया, तो क्या आपने 45 देने हैं? आप टोटल 8 आपके पास शुरू से था, ये आपने और ख़रीदा तो आपने 45 देने, इसमें से आपने 33 दे दिए तो 12 रह गए, 33 दे दिए तो कितने रह गए? 12 रह गए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात है कि हमें ये गिवन नहीं होता, हमें ये गिवन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? सिंपली ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, पेमेंट मेड लिखेंगे और ये परचेजेस निकाल लेंगे। परचेजेस आ गई 37। अब देखो अगर मुझे स्टॉक अकाउंट बनाना हो, अगर मुझे मेडिसिन का स्टॉक अकाउंट बनाना हो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, ये लाइबिलिटी थी तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना गिवन था मुझे मेडिसिन का स्टॉक? मेडिसिन का स्टॉक मुझे गिवन है 10,000 और 15,000। आपने कितना माल खरीदा है? टू परचेजेस माल खरीदा है आपने 37,000, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये बैलेंस में निकल आएगा। देखो मैंने बेसिकली करा क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही तो कर रहा हूँ। तो 37 प्लस 10 47, 47 माइनस 15 32,000 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 32 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। यहाँ पे लिखूंगा मैं टू मेडिसिन कंज्यूम 32,000, ठीक है, मेडिसिन कंज्यूम 32 इधर यूज होता है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, स्टॉक ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिटर ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये याद रखना। स्टॉक ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, क्रेडिटर ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। स्टॉक कितना था? 10,15, क्रेडिटर था 8,12, 10,15, 8,12, 10,15, 8,12। स्टॉक क्रेडिटर ये हमने सारी चीज़ें लिख दी, ठीक हो गया जी। सब्सक्रिप्शन भी हमारा ये बन गया था, सब्सक्रिप्शन के भी बैलेंसेज हैं जो हमें बैलेंस शीट में ले जाने हैं, वो भी हम अभी तक नहीं लेके गए हैं। कौन कौन से बैलेंसेज हैं? सबसे पहले ये रिसेप्शन पेमेंट तो यहीं पे आ गया था, ये इनकम एक्सपेंडिचर में गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो जो पैसा लेना रह गया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला इधर, क्लोजिंग वाला इधर,
जो भी चीज ओपनिंग वाली है वो ओपनिंग बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग वाली है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, इस तरीके से। देखो ओपनिंग कितना था आउटस्टैंडिंग, 500,000, 500,000, एडवांस था 1,500, ठीक है, ये भी हमने कर दिया, हमारा काम ये भी हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग डन। इसके बाद क्या है मेरे पास, ये सब हो गया, अब बस नॉर्मल फीस टू डॉक्टर एडजस्टमेंट मुझे और कोई दिख नहीं रही, इक्विपमेंट और बिल्डिंग पे दिख रही है, चलो अभी देख लेंगे। फीस टू डॉक्टर नॉर्मल खर्चा, सैलरी नॉर्मल खर्चा, चैरिटी शो नॉर्मल खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चा, ठीक है। फीस सैलरी चैरिटी सन्ड्री एक्सपेंसेस, फीस सैलरी चैरिटी सन्ड्री एक्सपेंसेस, फीस सैलरी चैरिटी सन्ड्री एक्सपेंसेस, देखो ये सब खर्चे हैं, ये सब क्या है हमारे पास, खर्चे हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, फीस सैलरी चैरिटी और सन्ड्री एक्सपेंसेस। फीस 24,000, 24, 27, 4 और 1200, 24, 27, 4 और 1200, ये सारे के सारे आपके नॉर्मल खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद आपके पास ध्यान से देखना बच्चे, मेडिसिन हो गया, फीस टू डॉक्टर हो गया, सैलरी हो गया, चैरिटी हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, कैश हो गया, ये रह गया इक्विपमेंट परचेज्ड, आपने इक्विपमेंट और खरीदा है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, सब्सक्रिप्शन हो गया है, सब्सक्रिप्शन हो गया है, मेडिसिन हो गया है, ये है इक्विपमेंट, ये है बिल्डिंग। इक्विपमेंट देखो मेरे पास शुरू में था 25 और लास्ट में है 33, शुरू में 25 लास्ट में 33, ठीक है, 25 और लास्ट में 33 इक्विपमेंट, अब आपको एक बात समझनी है बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, मेरे पास शुरू में इक्विपमेंट था 25 का, ठीक है, अब अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो भाई खुद तो खत्म नहीं होगा एसेट वो मेरे पास से, 25 का अगर मेरे पास शुरू में एक एसेट है तो लास्ट में भी वो एसेट होगा ना, है ना, तो शुरू में 25,000 का अगर इक्विपमेंट था तो मेरे पास यहाँ पे भी इक्विपमेंट होना चाहिए 25 का, तो भाई शुरू में 25 का था तो लास्ट में कहीं गायब थोड़ी ना हो जाएगा, मिस्टर इंडिया थोड़ी ना है, शुरू में 25 था तो लास्ट में भी होगा, लेकिन मैंने साल के बीच में कुछ और इक्विपमेंट खरीदा भी था, जो कि ये लिखा हुआ है इक्विपमेंट परचेज्ड, 15 का मैंने और खरीद लिया, 25 का शुरू में था, 15 का और खरीद लिया, टोटल कितने का हो गया 40,000, 25 का था, 15 का और खरीदा, 25 प्लस 15 इज 40, लेकिन है कितना 33, तो 7,000 का कहाँ गया, अब 7,000 का अगर बिकता तो यहाँ पे रिसिप्ट में उसकी सेल लिखी होती, सेल तो कहीं लिखी नहीं हुई, इट मींस वैल्यू कम होने के दो ही कारण होते हैं, माल बिके या डेप्रिसिएशन, है ना। तो देखो 25 का आपके पास ये शुरू में था, आपने 15 का इस साल और खरीदा, प्लस करो परचेज्ड 15, वैल्यू तो 40 आनी चाहिए थी ना, वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 40, लेकिन वैल्यू आ कितनी रही है माइनस डेप्रिसिएशन 7, दैट इज वाई वैल्यू 33 आ रही है, दैट इज वाई वैल्यू कितनी आ रही है 33, 25 का शुरू में था, 15 का और खरीदा, टोटल 40 हो गया, 40 में से डेप हटाया तो वैल्यू कितना बच गया 33, ओके हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मुझे ये डेप्रिसिएशन लिखना हो तो डेप्रिसिएशन मैं यहाँ लिखूंगा टू डेप ऑन इक्विपमेंट, 7,000 रुपये का डेप लग गया, ठीक है, 7,000 का डेप लग गया। इसके बाद क्या है, बिल्डिंग में भी कुछ ऐसा ही है, बिल्डिंग मेरे पास शुरू में 70, लास्ट में 65, शुरू में 70 लास्ट में 65, तो लास्ट में बिल्डिंग 65 कैसे हो गई जी, कैसे हो गई
70 माइनस डेप, 5000 का डेप लगा तो ये 65 हो गई, समझे? वैल्यू अगर कम हो रही है और सेल गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन है, सही? 5000 रुपए का डेप इस पे हो गया, टू डेप ऑन बिल्डिंग 5000 का ये डेप हो गया, बस सब कुछ खत्म, सब कंप्लीट हो गया। अब आपको एक चीज दिखानी है मुझे, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। देखो हमारे पास ये मुझे इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे 9000 रुपए, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, कमाल की बात भाई। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो फिर भाई इंटरेस्ट किस पे? यानी कि मुझे यहां से इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। देखो ये जो इंटरेस्ट मिला है ये 9% मिला है बेटा, कितना मिला है 9%। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट एक्स है तो इंटरेस्ट इस एक्स का 9% होगा। एक्स का 9% कितना बनेगा? 0.09x। 10% होता है 0.10, 15 होता है 0.15, 25 होता है 0.25, है ना? x का अगर आपको 9% निकालना हो, देखो x into 9 upon 100 करोगे, करोगे या नहीं करोगे? डबल जीरो यहां लगा दूंगा तो 0.09x आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ऐसे होता है, इंटरेस्ट 0.09x है और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 9000। तो 9000 इज इक्वल टू 0.09x, तो x की वैल्यू 9000 डिवाइड बाय 0.09, पॉइंट हटा दो तो दो जीरो लग जाएंगे, यहाँ 100000 रुपए वैल्यू आ गई। x का वैल्यू कितना आ गया? 100000। ध्यान से नोट डाउन करो, इन्वेस्टमेंट को x माना, इस पे 9% यानी 0.09x, और इस इंटरेस्ट की वैल्यू भी बना 9000, ये 9000 मिला है ना, इट मीन्स मेरे पास 100000 की इन्वेस्टमेंट होगी शुरू में, तभी तो उस पर 9% 9000 का इंटरेस्ट आया होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट को 100000 रुपए कंसिडर करूंगा, और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट बिकी नहीं है क्वेश्चन में, सेल नहीं हुई। अगर सेल नहीं हुई तो इसका मतलब मेरे पास लास्ट में भी ऐसे ही होगी, इन्वेस्टमेंट 100000 रुपए मेरे पास लास्ट में भी ऐसे ही होगी। चलो बस कार्यक्रम समाप्त है जी, यहां से आपके पास सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। आपको क्या करना है, अब देखना है कि खर्चे ज्यादा हैं या इनकम ज्यादा है, ठीक है? सब्सक्रिप्शन वगैरह सब लिख ही लिया है हमने, 27, 24, 32 काफी करीबी मामला है, करके देखते हैं क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। ₹15,000 का डोनेशन, ₹9,000 के इंटरेस्ट, ₹12,000 का चैरिटी, ₹20,000 के गिफ्ट, ₹49,000 का सब्सक्रिप्शन, ₹105,000 इसमें से ये खर्चे हटाओ, ₹32,000, ₹24,000, ₹27,000, ₹4,000, ₹1,200, ₹7,000, ₹5,000, ₹4,800 का सरप्लस आ गया। ये था 105,000, इसमें से ये सब माइनस कर दिया, 4800 का सरप्लस आ गया। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले निकालना है कैपिटल फंड, जो शुरू में कैपिटल होती है ना उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे निकलता है, इसका टोटल करो, इन सब का टोटल कर दो, 8500, 10,000, 500, 25,000, 70,000, 1,00,000, 214,000 माइनस 8,000 माइनस 1,000 205,000, 205,000 का कैपिटल फंड आ गया। इस कैपिटल फंड को यहां लिख दो, 205,000, और इसमें जोड़ दो सरप्लस, कितना सरप्लस हुआ? 4,800। तो 205,000 प्लस 4,800 इज 209,800, 209,800। बस अब आपको टोटल करना है दोनों साइड का, अगर ये मैच हो जाती है तो आपका सब कुछ ठीक है। 12,500
209,800, इधर तो आ रहा है 222,300 और उधर 8,300, 15,000, 1,000, 1,00,000, 33,000, 65,000, बिल्कुल सही 222,300। इस तरीके से आपको ये बड़ा क्वेश्चन करना होता है। देखो बड़े क्वेश्चन में ना बस ये याद रखना कि एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाले फिगर्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाले फिगर्स, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सी एक्सपेंडिचर में आती है कौन सी इनकम में आती है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा परफेक्ट हो जाओगे। उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बेसिक पता होना चाहिए, रिसीव पेमेंट जितना भी रिसीव हुआ इधर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ये ऐसे चलता है। इसके बाद ये भी मैंने आपको पूरा टॉपिक कराया है अलग से कि किस तरीके से स्टॉक और क्रेडिटर को यूज़ करके आप मेडिसिंस कंज्यूम्ड या स्टॉक कंज्यूम निकालते हो, ये पता होना चाहिए। और ऐसे आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है। यूजुअली मुझे लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपसे यही बनाने को पूछेगा एग्जाम में, बट फिर भी पार्ट ऑफ सिलेबस है तो आपको आना चाहिए। और कल तक NPO पूरा मजबूत कर लो अपना। कल मिलता हूँ आपको नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।